हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल के कुमार, इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच, आज आपके साथ जुड़ा हूं एक बेहतरीन बुक की समरी लेकर। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुकों में से दुनिया की एक बेस्ट बुक है। दोस्तों, आज आम लोगों की जिंदगी में उन्हें मार्केट से छोटी से छोटी चीज भी खरीदनी होती है तो वह हजार बार सोचते हैं कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में क्या बताया है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक किताब के लेखक हैं, उसके दो पिता थे। एक पिता पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर वह जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीब ही मरे, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है, किसी भी इंसान के एक ही वक्त दो पिता कैसे हो सकते हैं? उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीख सकता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। रिच डैड पुअर डैड एक बेस्ट सेलिंग बुक है, जो हमें सरल भाषा में यह सिखाती है कि पैसे की सच्चाई क्या है और अमीर कैसे बना जाता है। लेखक के द्वारा दौलतमंद बनने की असली कुंजी नौकरी करना नहीं, बल्कि व्यवसाय या निवेश करना है। वैसे तो मैंने इस किताब का जिस्ट आपको बता दिया है और आप इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो दोस्तों आपको किताब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, पहले लेसन पे हम चलते हैं, जिसमें ऑथर कहता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। इस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता और चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो इस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा थी। बहुत से लोग इस गधे की तरह ही होते हैं, वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक नहीं पहुंच सकते, तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। अब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ना रह जाएं, और इसी डर से हम ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है, हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होता, तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है, और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक लेना है, क्योंकि वो पेचेक आपके सारे बिल
मुश्किल से ही भर पाता है, ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर या ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास है। आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इसी तरह अमीर बन जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा था वो कभी पूरा नहीं होने वाला, आप हमेशा गरीब ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर ये डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर हावी ना होने दें कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए, मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उनका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट यह भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया, उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम करने लगे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे और पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने लिखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी, आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे पुरानी कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में एक बिजनेस का नया आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पे देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे और हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से ही पढ़ने के लिए दी जाती थी। वे असल मायने में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ता था जहां वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माई की बहन को काम पर रखा जिसके लिए उसे हफ्ते का $1 दिया जाता था और एक हफ्ते में उन्हें $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा, पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि पैसे के लिए काम करो। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एडवाइजर विच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन की एक मीटिंग में हिस्सा बने। इसमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स सबाब
और सैमुअल एंसुल उस वक्त लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इसमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकशी कर ली और कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे कितने ही मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। अगर ये हुनर आपने सीख लिया है तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना कर आसानी से उभर जाएंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस वही पुराने हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि वे अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब में अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है, हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर ही अपना एम्पायर की बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और वे ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में ये ही सब कुछ नहीं है। रूल नंबर 1, लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानता है कि असल में एसेट्स क्या है और वो ही खरीदता है। अमीर डैड KISS किस प्रिंसिपल में यकीन रखता था, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। अमीर डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर ऐसा मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या है? लायबिलिटीज आपका वो चीज है जहां से आपको पैसा नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपने पैसे देकर खरीदते हो, जिसे आप अपने काम के लिए, जहां आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा। और एसेट्स वो चीज है जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते हैं, लेकिन जो चीज आपने खरीदा है वह चीज आपको पैसा बना कर देगा। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस करती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये नहीं पता कि आखिर बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एसेट्स वे चीज होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीदकर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। आप घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसे उल्टा लायबिलिटीज अपने जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि आप घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई भी किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि
अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदें और गरीब बनना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल में यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि वे मेहनती होते हैं, उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो वे सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उनमें से उससे भी नीचे चले जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं उनका सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है, क्योंकि मोर्टेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटीज तो नहीं है, मगर उनके पास कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चे में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1,000 कमाता है और उसमें से $300 अपने छोटे से घर के किराए पे खर्च करता है, $200 उनके आने जाने का किराया होता है, $200 टैक्स और $200 खाने पीने और कपड़ों में खर्च कर देता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर भी काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा के देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं, वे घर लोन पर लेकर वे किराए पर लगा देते हैं, बिना मेहनत किए हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन चुका देते हैं। मान लीजिए लोन के इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में, तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है, अपना पैसा कैसे खर्चें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उनके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड लेकर वे बहुत पैसा कमा सकते हैं, हालांकि उसमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। इसके बावजूद उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट्स बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड के भरोसे बैठकर कैरियर में सक्सेस नहीं पाई जा सकती। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम बात हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखने लगते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वे सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने में होता है, उनकी कमाई बढ़ने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि खर्चे भी। अब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं, या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता ये है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो सिर्फ चलता रहता है। एक नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो यह है कि वे बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज को खरीद लिया है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए,
फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लाइबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही हैं। ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ऐसे मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हम पर कहीं हंस ना दें। यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे यही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे हैं। वो खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट्स है, लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर ले लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग तीन चीजों की ताकत जानते हैं, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसों की ताकत का प्रतीक है, शीशा खुद के अंदर छिपी हुई ताकत को दिखाता है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हो, शीशे के सामने आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अकाउंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते थे, जहां एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते थे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग रखते हैं, अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया, जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उसका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब टीचर उन्हें काम देती थी, उन्हें रूल के हिसाब से ही करना होता था। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चे की प्रतिभा को निखरने नहीं देती, उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सांचे में ढालकर एक समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की एक बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उसके पिता का मानना था कि उसका घर उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्च बराबर थे, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि पिता के लिए वो घर एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे और यही फर्क था गरीब डैड और अमीर डैड के बीच। खैर, उनकी बहस चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया, अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वो 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर ले लेते हैं और उसे पाना लोन रिन्यू करवाते रहते हैं।
अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी, उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया था। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को यह होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते, और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और न्यारा घर लेना सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1,000 था। वे उनके लिए एक बड़ी कीमत थी, क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे, तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट से बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि ये समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे हैं आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे में किसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। आपका एसेट्स आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे एक वजह है, अमीर एसेट्स खरीदता है और उसका पैसा दुगना हो करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे से निपट जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास क्या करते हैं कि वे बस महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं, जब उनकी सैलरी आए। सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर अंततः वही रैट रेस चलती रहती है। एक कर्ज में डूबा हुआ समाज जहाँ हम रहते हैं, अपने घर को एसेट्स समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबा देती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वे बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का उतना बोझ हो जाता है, वे नौकरी छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आप में सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लाइबिलिटीज ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो गैराज में पड़ी एक पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम नहीं कर रही हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उसे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना पैसा और कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है जिससे हर महीने मुझे $3,000 की कमाई हो जाती है, और हर महीने आपको $6,000 खर्च है, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगा। तो सॉल्यूशन यह हुआ कि अपने एसेट्स से मिलने वाला पैसा
बढ़ा दें। जब वो $6,000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे, मगर इस तरह आप अपनी वेल्थी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको एसेट्स सारा खर्च कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाओगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम होंगे। अध्याय 3, अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चैन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे कोराक ने एक एमबीए क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब एमबीए क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे कोराक ने अचानक एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हैमबर्ग बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल इस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर किया जाता है जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है। वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल इस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रोबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, या जहां वे नौकरी करते हैं बैंक मोर्टेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता है, ना कि एम्प्लॉयर। तो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा है वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो डॉक्टर हूँ या बैंकर हूँ, क्योंकि वह तो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब यह है कि आप जो करते हैं उसे आप बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि इसे वे एसेट्स मानने की गलती कर रहे थे। दरअसल ये एसेट्स था नहीं। जैसे ही उन्होंने कार ली थी, उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर वे कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल ना जाए तो उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम अब एसेट्स कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है, क्योंकि जब भी आप एसेट्स बेचते हैं तो उन पर टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वे मेरी नज़र में एसेट्स नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत 25% खो देती है। जितना हो सके खर्च में कटौती करें और लायबिलिटीज घटाएं। अब इस तरह एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देंगे। नंबर 1, ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि आप वहाँ ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। रियल इस्टेट में पैसा लगाएं, स्टॉक और बॉन्ड खरीदें।
अब एसेट्स खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में। अपने अमीर डैड की सलाह पर उन्होंने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, वो जॉब करता रहा और साथ ही अपने एसेट्स के कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार ना जाने दें, अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर काम करिए जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले चैप्टर में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। अध्याय 4, अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्रहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इसका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी थी, तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $100,000 में बेचने की पेशकश की। उस वक्त वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी, उन्हें ये दाम कुछ ज्यादा लग रहे थे। और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे थे। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी वो ये कि उन सब में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद वे जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट करना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं है। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, अगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाएं। अब ये आपकी मर्जी है कि इसमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी पुरानी है, और फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट्स था वही आज लायबिलिटीज बन चुका है, तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ने गेम डिजाइन किया है कि वे जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। यह लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है, रेट रेस से बाहर कैसे निकलें। ये सारी चीजें इस गेम में समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई, गेम खेलने के दौरान उसने एक वोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने गेम में एक वोट जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि वो वोट लेने के लिए उसने बड़ी रकम भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो वोट उसके लिए एक एसेट्स नहीं थी, बल्कि एक लायबिलिटीज बन गई। उसे अब पता चला कि ऐसे तो ये वोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़कर देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज था।
अब हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है। हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें कि गेम ऑफ द लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उसकी पुरानी सोच, जो आगे नहीं बढ़ने देती और फिर बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए वे कहेंगे कि उनके पास पैसा भी नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे? अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि वे खूब मेहनत कर खूब पैसा कमाया जाए। इसलिए आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वे हैं कि उन्हें पता है कि पैसा असल चीज नहीं है, असल चीज है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हमें इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है, यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है तो आपको ये सीखना होगा कि पैसा बढ़ा करने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट्स यानी अपने दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स की आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फायदा जो आप जमा करते हैं, और उससे तो अच्छा है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फायदा दे। खैर बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक स्थिति तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे, वे कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने अटर्नी के ऑफिस में एक एड लगाया कि $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको एक एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्हें प्राइमरी नोट के रूप में ग्राहक को दिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो 40,000 इन्वेस्ट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट्स में क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले इस मौके का फायदा उठाकर ये पैसे क्रिएट अपनी इनकम कॉलम में ऐड कर लिया। कुछ सालों बाद उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप्स और बाकी सभी चीजों को कवर कर गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, उनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 का बिका था वह $110,000 का था। अब भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल असेट्स लगाना पड़ता और अपना वक्त भी।
तो वे आगे बढ़ गए, उन्होंने अब नए मौकों को तलाश करने थी। अब आप एक सवाल खुद से करिए कि मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है, 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग आपको 5% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट्स यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती, जो आज है कल नहीं होगा, कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती रहेगी। आज मार्केट सुपर है तो कल नीचे होगा, खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है बस उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर रख सकते हैं, पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और वे काफी आसान और बगैर झंझट का काम होता है, दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं, जितना वे इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है। नंबर 1, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी नहीं ढूंढ सके हों। याद रखिए, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकी आंखें नहीं देख पाए। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की जरूरत पड़े, मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं, उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुने। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज्यादा है, मगर इसके रिवार्ड्स शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उसे हैंडल करना सीख कर आप भी अमीर बन पाएंगे। अध्याय 5, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रोबोट को इंटरव्यू लिया और रोबोट उसके आर्टिकल पहले से ही पढ़ चुके थे। उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रोबोट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उन्हीं की तरह एक दिन फेमस होना चाहती हैं। रोबोट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उसे मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल पर उस जर्नलिस्ट ने कहा कि उनकी जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रोबोट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी दोस्त पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें यह छोटा काम लगता है। वे भूल गई थी कि रोबोट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके हैं। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जब तक आप ये बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख पाते हैं, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने के लिए कोई शर्म की बात नहीं है, किसी भी सेल्समैन को इससे कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था, वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवार्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए। इसका उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर डिग्री लेते हैं, उसके बाद किसी एक स्पेशलिस्ट फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे पीडियाट्रिक या कुछ और, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है और इस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए उनका रिवार्ड होता है।
ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, तो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे और चीजें कैसे काम करती हैं ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि अमीडेड छोटे रोबोट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे और जब वे अपने डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और किसी प्रोफेशन से मिलने जाते थे। जब रोबोट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी थी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोबोट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वह एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रोबोट ने उन्हें समझाने का हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। रोबोट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ें। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए, किसी भी कंपनी को कैसे अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रोबोट ये सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रोबोट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, जीरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं करनी थी। वे इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने का ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जीरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। उसके बाद रोबोट ने खुद अपनी एक कंपनी की शुरुआत की, अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर करने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लाई अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाएं। ज्यादातर वर्कर भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते हैं कि उसे काम से निकाले ना जाएं। इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदे से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय के साथ काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुने। क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना तो आप हमेशा के लिए उसी से बंधन में बंध जाएंगे। दोस्तों, ये थी बुक समरी रिच डैड पुअर डैड की, और ये सुन रहे थे आप अनिल के कुमार इम्प्रिंट के द्वारा। इसमें हमने सीखा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, फाइनेंशियली लिटरेसी क्यों जरूरी है, अपने काम से काम रखें, अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पांचवा, सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, ये टेक्निक्स आप अपने जीवन में लगाते हैं तो अपने जीवन को और सफल, समृद्ध और सक्षम बना पाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों ये थी बुक समरी रिच डैड पुअर डैड की, और ये सुन रहे थे आप अनिल के कुमार इम्प्रिंट के द्वारा। इसमें हमने सीखा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, फाइनेंशियली लिटरेसी क्यों जरूरी है, अपने काम से काम रखें, अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पांचवा, सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, ये टेक्निक्स आप अपने जीवन में लगाते हैं तो अपने जीवन को और सफल, समृद्ध और सक्षम बना पाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपने जीवन को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर बुक्स का रिविजन करके बुक समरी तैयार कर पाऊँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे और मैक्सिमम लोग अपने आप को एक बड़े लेवल तक ले जा सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।